सारा अंदरून लाहौर है और यहाँ पे जो है आपको सब चीज ये जी हमारे पास वारिस तैयारी वाले एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं आयशा अंदर सिर्फ व्लॉग्स। तो हम लोग आए हैं आज अनारकली बाजार में। अनारकली बाजार से हम आपको लेकर आए हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे यहाँ का स्ट्रीट फूड और आपको लेके जाएंगे बेहतरीन किस्म की। और हम आप लोगों को आज खिलाएंगे बारिश की निहारी जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है पाकिस्तान में। तो ये है गणपत रोड, ये सीधी सड़क जो है वो अनारकली की तरफ जाती है। सारा अंदरून लाहौर है और यहाँ पे जो है आपको सब चीजें होलसेल वगैरह रेट पे मिल जाती है। लेकिन ये इतनी बड़ी सारी ये जलेबी बनाई हुई है आपने, बहुत बड़ी जलेबी है जी। सुबह से जो है काफी ज्यादा गर्मी थी, हम लोगों ने सोचा कि शाम को निकलेंगे और अभी जो है यहाँ पे अच्छी आवाज चल रही है। मेरे ख्याल में हमारा बड़ा अच्छा डिसीजन था कि हम लोग नहीं निकले वरना तो हमारा सुनिया नाश जाता बाकी में। और अभी जो इतनी जबरदस्त ठंडी ठंडी आवाज चल रही है, इसमें निहारी खाने का और ही मजा है। और ये आ गया है हमारे पास वारिस निहारी वाला, सामने देखे बहुत ज्यादा रश है इसके ऊपर। अरे भाई फैमिली हॉल, इसमें आपको फैमिली हॉल की सूरत मिल जाएगी। ये ऐसे सामने वारिस साहब, 1960 से जैसे वारिस की तैयारी शुरू की हुई है, इनको बिठा कर आते हैं वापस। जो बाहर भी बैठ के खा सकते हैं, इधर सामने कुर्सियां पड़ी हुई हैं और ये सामने जो है फैमिली हॉल है। ये है जी हमारे पास वारिस तैयारी वाले, काफ़ी ठीक ठाक रश है इस वक्त, रात को खाने का भी टाइम है ये। और यहाँ पे लग रहा है निहारियों को तड़का। ये आप इसके बस बाद में इसे तड़का लगाते हैं। पहुंच गए हैं वारिस निहारी मेन अनारकली बाजार के अंदर। क्या ये मगज है, ये नली है। अच्छा मगज कहाँ पे रखा हुआ है आपने? सामने डाले निहारी। और ये जा रहे हैं इनके पार्सल पर्ची। यहाँ पे मेरे ख्याल में पार्सल इन लोगों के ज्यादा जाते हैं। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप? घर पे लेके जा रहे हैं, दुकान पे लेके जा रहा है, दुकान पे लेके जा रहा है जी। ये तो माशाल्लाह कितना अर्थ हो गया आप बैठे हुए जी। या दुकान खुली को 70 साल हो गए माशाल्लाह जी। आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है सुबह 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। सुबह 7 से लेकर रात को 2 बजे तक ज्यादा रश सुबह के टाइम पे होता है? रात के टाइम पे ज्यादा रश होता है इतवार वाले दिन में, क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह लोग करने आते होंगे। तो आपने तीन यहाँ पे किस्म की चीजें रखी हुई है। ये आपकी निहारी का जो मेन मसाला है वो है, ये सामने मेन मसाला आ गया। और ये सब ये बोधी है, ये मगज है, ये नली है, ये तरी है। ये आप बाद में इसके ऊपर से उतार लेते हैं या अलग से बनाते हैं? ये पकने के बाद इसको तरी को उतार लेते हैं। बारिश नहरी वाले के साथ ही इसने जो है तंदूर वाला यहाँ पे बिठाया हुआ और ताज़ा इसके नान निकल रहे होते हैं और लोग यहाँ से लेके जा रहे होते हैं और यहाँ से नीचे बैठ के खा रहे होते हैं जहाँ पे फैमिली हॉल में हम लोग बड़ी बैठेंगे। अच्छा ये भाई जो है यहाँ पे निहारी को फ्राई कराने के लिए लेकर आए हैं, इसको तकरीबन 3-4 मिनट रखेंगे। आप ये मगध वाली है, मेरे पास है ये नली वाली निहारी, इसको ट्राई करते हैं। इसमें गोश्त की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और ये बिल्कुल वही रेशे वाला गोश्त है ये। और ये है नली, ये नली का बहुत बड़ा सा ये देखें ये पीस इसने डाला हुआ है, बहुत बड़ा सारा पीस है। तो मेरे पास है ये मगज निहारी,
इसको हम ट्राई करते हैं। नान देखें, इसका बड़ा ज़बरदस्त कस्ता कस्ता। ये है साथ में मगज, इसमें माशाल्लाह क्वांटिटी काफ़ी है, हमारी हाफ क्वांटिटी है, उसमें तीन बंदे जो है, तीन लोग वो बहुत आराम से खा सकते हैं। इसमें ज़बरदस्त किस्म की तली डाली हुई है, वो जो मैंने आपको भी दिखाया है किस तरह से इसने फ्राई की थी। ये वाली जो है मेरे पास मगज़ वाली नहीं आ रही है, मगज़ इसने तकरीबन आधा आधा जो है बकरे का डाला हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने हाफ मंगवाई थी। आउट लास्ट नहीं आ रही है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है आपको इसके अंदर बहुत नज़र आएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है ये क्रीमी क्रीमी सी है, ऐसा ये इसने घी के अंदर यारी बनाई हुई है, या तो फिर ये हड्डियों का अपना अर्क है वो हो सकता है, या तो इसने पूरी नियारी है घी में बनाई है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। इसके पास इसने लगाया हुआ देसी घी का तड़का, जो कि मैंने आपको भी दिखाया। टेस्ट दोनों का सेम ही है, इसमें सिर्फ नली का जो है वो जायका है। तो ये उन लोगों के लिए है कि अगर आपको ज़्यादा नली पसंद है तो आप नली वाली मंगवा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मगज़ पसंद है तो आप ज़्यादा मगज़ वाली मंगवा सकते हैं। मेन्यू है कि इसके अंदर आपको जो है वो फुल प्लेट 2300 रुपए की मिलेगी, हाफ प्लेट 1800 रुपए की है, और ये मछली और बोंग की अगर आपने स्पेशल बोटियाँ डलवानी हैं तो उसकी अलग प्राइसेस है, जो कि तकरीबन 3000 रुपए की है, और हाफ मछली बोंग वो 1500 की है, और ये फुल स्पेशल मछली तसला ये पता नहीं क्या होगा, ये 5100 रुपए का है, मेरे में सबसे ज़्यादा महंगा यहाँ पे यही है, और यहाँ पे फुल प्लेट नियारी 1000 की है। तो इस किस्म के रेट्स हैं, रेट्स इसके काफ़ी मेरे ख्याल में तो वैसे हाई हैं अगर इसके टेस्ट के हिसाब से देखे जाए तो। टेस्ट इसका बहुत बेहतरीन है, तो मगर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ज़्यादा ऑयली आपको खाने पसंद नहीं है तो आप इसके ऊपर तरी का जो तड़का होता है, आप वो बिल्कुल ही मत लगवाइएगा, आप उसके बगैर मेरे ख्याल में इसको ट्राई करें तो ये निहारी का आपको बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि जो इसका जो तरी का जो तड़का है, वो जो मैंने आपको भी दिखाया, ये जो देसी घी का इसने तड़का लगाया था, उसकी वजह से ये हुआ कि इसकी जो निहारी का जो टेस्ट था उसके अंदर सारा देसी घी का जो है वो टेस्ट ज़्यादा आ गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो इसकी निहारी का जो लाइट भी चली गई है, तो ये पाकिस्तान में होता है। और यहाँ पे जो है इनके बड़े बड़े बर्तन धुल रहे हैं, इसके अंदर जो है वो निहारी बनती है, ये बहुत बड़े बड़े बर्तन है। ये निहारी वाले के सामने आपको जो है ये बारबेक्यू वाला नजर आ रहा है और काफी मशहूर लग रहा है, फिर दोबारा कभी आगे ट्राई करेंगे। और यहाँ पे जो है आपको छोटी छोटी गलियों के अंदर बहुत सारे जो है लोग, और ये दूध वाले नजर आएंगे। ओहो, ये देखिए, ये है जी मोहम्मदी मिल्क शॉप। भाई किस तरह किलो है दूध आपके पास? 120 रुपए किलो दूध है। और ये क्या लस्सी बना के देते हैं आप? लस्सी भी है, दही भी है, जो सोडा भी है। यहाँ पे जो है फुल ऑफ लाइफ आप देख रहे हैं, जिंदगी है इधर। अनारकली बाजार, रोटियाँ छोटियाँ लग रही हैं इधर। और ये बर्गर शॉप, अंडे वाला बर्गर, एक और अंडे वाला बर्गर आ गया, और सामने बन रहा है पान। और ये जो है सारा है अनारकली बाजार, यहाँ पे आपको बहुत रीजनेबल प्राइसेस के अंदर जो चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं। इस वक्त रात का टाइम है तो इसलिए ये ज़्यादातर जो है बंद हो चुका है। फ्रेश फ्रूट्स वगैरह इनके पास आए हैं। फ्रूट की कितनी प्लेट है? 100 रुपये की 150 रुपये। हमने ये सोचा कि हम अनारकली का जो है एक स्ट्रीट फूड फुल कवर करने के लिए आएंगे, और यहाँ पे जो डिफरेंट वेंडर जो बैठे हुए हैं उनसे हम सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने तो अभी बारिश की निहारी खा ली थी, हमारा जो है पेट शेट तो फुल हो गया था। वो मुझे इतना पता नहीं था, वरना मैं शायद निहारी की जगह जो है ना ये सारी चीज़ें ट्राई करती पहले, उसके बाद हम निहारी खा लेते। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है सब पॉसिबल जो है ये रेडी वाला जो स्नैक्स वगैरह ये इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।